नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दिन प्रतिदिन बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे अनुदेशकों के मानदेय को लेकर। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल हमेशा से आपके साथ है और आपकी ही आवाज है, इसलिए इस वीडियो को अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो। दोस्तों, आज के इस महंगाई भरे दौर में दो वक्त की रोटी कमाना, अपने परिवार को पालना और साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना बहुत ही कठिनाई भरा काम हो गया है। और अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपके लिए यह समस्या और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि आज के समय में एक संविदा कर्मी होना बहुत ही बड़ी सजा है। क्योंकि संविदा कर्मी होने पर आपको वेतन ना के बराबर मिलेगा और साथ ही साथ ये ना के बराबर का वेतन भी आपको कभी समय पर नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आपकी स्थिति आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर बहुत ही खराब होने वाली है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के साथ। जी हां, साल 2013 में उत्तर प्रदेश में 31,000 अनुदेशक अलग अलग विषयों के लिए मात्र 7,000 रुपए वेतनमान पर लगाए गए थे। इन अनुदेशकों ने पिछले 6 साल में अपने विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों और हर तरह की सरकारी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया, पर उसके बदले में इन्हें केवल 7,000 रुपए प्रतिमाह वेतनमान साल 2013 से अब तक दिया जा रहा है। यानी अगर हम देखें तो 6 साल में इन्होंने 1% भी तरक्की नहीं की। ये शोषण नहीं है तो क्या है? क्या इन 6 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या रहना, खाना पीना, पढ़ाई सब कुछ महंगा नहीं हुआ? तो इनकी सैलरी भी इसी महंगाई की दर से क्यों नहीं बढ़ाई गई? अनुदेशकों को सैलरी के नाम पर सिर्फ निराशा ही मिली है और इस निराशा के चलते अपनी जिंदगी व फ्यूचर के 6 साल देने के कारण बहुत से अनुदेशकों ने मौत को गले लगा लिया। अनुदेशकों ने अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए बहुत सारे धरने भी किए, क्योंकि एक कहावत है कि अगर अपने हक को पाने के लिए लड़ाई भी करनी पड़े तो वह लड़ाई सही है। पर सरकार के रवैये के कारण इन धरने प्रदर्शन का कोई भी लाभ अनुदेशकों को नहीं मिला और आज भी वह मात्र 7,000 रुपए प्रति माह में अपना जीवन काट रहे हैं। सरकार को इनकी समस्याओं से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे ये कहीं और से आए हैं और यहाँ आकर रह रहे हैं। सरकार को इन 31,000 अनुदेश परिवार के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब हाईकोर्ट से 17,000 मानदेय का फैसला सुनाया गया तो सरकार द्वारा उसे भी मानने से इनकार कर दिया गया। एक बार जरा सोच कर देखिए, 17,000 रुपए मानदेय कोई बहुत मानदेय नहीं होता है। आप अनुदेशकों को शिक्षकों के बराबर की जिम्मेदारी व शिक्षण कार्य सौंपते हैं, पर शिक्षकों को 50,000 से 60,000 रुपए वेतन और अनुदेशकों को 17,000 भी नहीं दे सकते। 17,000 तो दूर की बात रही, अनुदेशकों को जो 8,470 वेतन मिलता था आपने उसमें भी कटौती करके उन्हें वापस साल 2013 के ही वेतन पर, यानी कि 7,000 के वेतन पर वापस लाकर खड़ा कर दिया। यह कहां का इंसाफ है? कृपया करके इनका हक इनको दीजिए ताकि इनका विश्वास इंसानियत पर बना रहे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पूरे के पूरे 31,000 अनुदेशक परिवारों तक पहुंच सके। अनुदेशकों से जुड़ी और खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।